I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stress. वेदर काफी चेंज हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि अभी शाम के वक्त है, लेकिन बिल्कुल नहीं, अभी सुबह का टाइमिंग है। अभी टाइमिंग है 9:10 या फिर 15 मिनट। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, उसी से पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सुमना मुखर्जी और आज है महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि का दिन सब क्या कर रहे हो? मैं कहाँ हूँ और कहाँ कैमरा तुम दिखा रहे हो? मेरा बेटा ना ऐसे ही करता है, अभी तक उसका ना आदत नहीं पड़ चुका, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ इसको, जो ठीक से कर ठीक से कर। तो कोई बात नहीं, माइंड मत कीजिएगा। तो मैं मेरा तरफ से पूजा पूजा कर लिया और मेरा हस्बैंड शिवरात्रि करते हैं। मैं शिव जी के ऊपर पानी डाल के मेरा पेट पूजा कर लेती हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन मैंने बोला इस साल जो तुम सुबह का टाइम पे ऑफिस निकल जाते थे, इसीलिए तुम ऑफिस जाके शेक वगैरह कुछ लेते थे, इसीलिए पता नहीं चलता था। लेकिन मैं घर पे जब हूँ तो मैं भी तो कोल्ड कॉफी पीऊंगी, तो तुम भी पिया करो। तो मैं दोनों के लिए अभी कोल्ड कॉफी बना रही हूँ, और जब तक मैं बना रही हूँ तब तक आप देख लीजिएगा मैंने कैसे पूजा किया, मतलब मेरा हस्बैंड ने, क्योंकि आज का दिन में मेरा हस्बैंड ही पूरा पूजा करते हैं वो अपना तरफ से, तो वही देख लीजिए। लोड शेडिंग हो गया और अंधेरा में ही पूजा करना पड़ा, क्योंकि छत वाले रूम में हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर का कनेक्शन छत वाले रूम में इसीलिए नहीं लिया क्योंकि छत वाले रूम में हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, और पूजा जब सुबह करती हूँ तब लाइट का ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती है, तो इसीलिए नहीं लिया। आलू, मतलब आलू दम, ये काफी अलग टाइप्स का मैंने आज बनाया, तो मैं एक दिन आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैंने जल्दीबाजी में थी इसलिए मैंने शेयर कर नहीं पाई, और मेरा बेटा का भी तब पेपर चल रहा था, जब पेपर चल रहा था तब तक, मतलब उसी टाइम पर मैंने बैठे क्यों रहूं, इसीलिए आलू दम बना लिया। और पराठा या फिर पूरी कुछ बनाऊंगी, और भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया वो उसका साथ, मतलब मिठाई खा लूंगी बस। अब स्टार्ट करती हूँ कोल्ड कॉफी। कोई कोई ऐसा भी होता है, मतलब चार प्रहर में चार बार पानी डालते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मैं भूख कभी सहन कर नहीं पाती। सॉलिड खाना कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन बीच में शरबत चाय ये सब मुझे चाहिए। कोई कोई ऐसे थूक भी नहीं घिटते हैं, लेकिन मैं पानी फानी पी लेती हूँ। अभी मैं कोल्ड कॉफी पीऊंगी, आइसक्रीम ऊपर से भी डाल सकती हूँ या फिर आइसक्रीम बाद में भी खा सकती हूँ बस। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं।
अभी शाम की टाइमिंग है, देखने से ही पता चल रहा है। देखिए ये मेरी भगवान वाला रूम है। सुबह जब पूजा कर रहे थे मेरे हस्बैंड तब लाइट नहीं था, लेकिन अब लाइट लगा के सजा दी। इसके बाद मैं जाऊंगी एक बार मंदिर में, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट का अंदर जो शिव जी का मंदिर है वो भी थोड़ा दर्शन करना चाहिए, तो मैं उधर जाके शेयर करूँगी। ये देखिए मैं आ गई, आज भी काफ़ी भीड़ है, तो मैं बाहर से थोड़ा बहुत फ़ोटो लिया, क्योंकि फ़ोटो या फिर वीडियो लेना अवेलेबल है क्या नहीं मुझे पता नहीं, इसलिए बाहर से मैंने ले लिया। एक्चुअली शिवरात्रि कल दोपहर तक है, तो मेन आज शिवरात्रि है, सब आज भी मान रहे, कोई कोई काल भी मान रहा है। मैं दो दिन ही भेज खाऊंगी, चावल तो ऐसे नहीं खाती हूँ। और मेरा हस्बैंड भी, आप लोगों ने सुने होंगे, शिवरात्रि मानते हैं, तो वो भी दो दिन चावल नहीं खाएगा। मेरा बेटा के लिए मैंने बना दिया, वो मसूर की दाल, आलू की चोखा, चावल और बटर दे दिया, वो खा लिया। लेकिन उसके बाद जब कोल्ड कॉफ़ी हम लोग पी रहे थे, उसको भी देना पड़ा, क्योंकि हम लोग पियेंगे वो नहीं पिएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो इसीलिए वो भी पिया। तो मैंने बोला अभी मत पियो, शाम को पी लेना, क्योंकि अभी तो चावल खा। बोला नहीं, एक घंटा हो गया, मुझे दे दो, ज़्यादा मत दो लेकिन थोड़ा सा दे दो, लेकिन एक साथ ही पियेंगे। और मंदिर में ना कल भंडारा है, नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि साथ ही नहीं मिलता है कोई, अगर साथ में कोई ना हो तो अच्छा नहीं लगता अकेला अकेला, तो इसीलिए नहीं जाते हैं। कभी कभी प्रसाद का हिसाब से कोई दे दे तो ठीक है, लेकिन बैठ के कभी नहीं खाया। अगर साथ में फ्रेंड जैसे बहुत जने होते तो एक साथ मजा से बहुत मजा लगता है, लेकिन अकेला बिल्कुल मन नहीं होता। तो चलिए, छोटा छोटा ही ब्लॉग तो मैं देती हूँ, अब आज भी दे रही हूँ, तो आज यहीं पे ब्लॉग खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं दूसरा कोई न्यू ब्लॉग के साथ। तो ओके, बाय, टेक केयर।